आचार्य प्रमोद कृष्णन और पायलट के बीच मुलाकात और डेढ़ घंटे पायलट के आवास पर मौजूद रहे प्रमोद कृष्ण। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों के बीच इस दौरान चर्चा हुई। सचिन पायलट कांग्रेस के स्तंभ हैं, ये प्रमोद कृष्णन ने कहा। ये मुलाकात मेरी व्यक्तिगत मुलाकात है, तो ये इस दौरान इस मुलाकात के कई मायने माने जा रहे हैं। और साथ ही साथ पायलट कांग्रेस के स्तंभ हैं, ये इस दौरान प्रमोद कृष्णन ने कहा है। तो सचिन पायलट को लेकर के यहाँ अपनी बात रखी उन्होंने, और साथ ही साथ कहा कि ये मौजूदा वक्त में जो चीज़ें हैं, दरअसल इस मुलाकात को लेकर के कई चीज़ें हैं, कई मायने हैं। डेढ़ घंटे पायलट के आवास पर प्रमोद कृष्णन मौजूद रहे और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के दोनों के बीच चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में सचिन पायलट जी को जब से कोविड हुआ है उसके बाद से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैं उनकी सेहत का हाल जानने आया था और काफ़ी दिनों बाद मेरी उनसे बात हुई। और इसके अलावा कोई ज़्यादा राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। सचिन पायलट जी को आपने पहले भी मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया है, समय समय पर जो है उनकी बात भी करते रहते हैं, तो जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है इस समय राजस्थान में? देखिए, सचिन पायलट जी को राजस्थान की जनता प्यार करती है, और जिस समय चुनाव हुआ था 2018 का, तो उस वक्त सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी थे, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी थे, और राजस्थान में सचिन पायलट जी थे। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को बनाया गया था, सचिन पायलट जी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया था, अशोक गहलोत जी को बनाया गया था और सचिन पायलट डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे। उसके बाद थोड़े से शिकवे शिकायतें चलती रहीं, और उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था, चीफ मिनिस्टर और सचिन पायलट जी के जो गुट के लोग हैं उनके बीच में जो तालमेल बनाने के लिए, लेकिन उस कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई, ये सचिन पायलट जी ने खुद कहा था। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, और कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस हाईकमान इस पे गंभीर है। आपको लगता नहीं जिस तरीके से पंजाब की कमेटी काम हुई थी, बहुत जोरों शोरों से काम हुई, दो दिन के अंदर रिपोर्ट, तीन चार दिन के अंदर रिपोर्ट भी सबमिट हो चुका, लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उस पे आला कमान तक बात पहुंची है, आला कमान इस पे कुछ करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व बहुत गंभीर है और राजस्थान की जनभावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए कोई ना कोई इसका फैसला होगा, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने मुझसे नहीं कहा कि मैं सचिन पायलट जी से मिलूं। मेरी और उनकी मुलाकात मेरी व्यक्तिगत मुलाकात है। सर, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के जो यंग लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं, सचिन पायलट पर भी बात आ रही है, अब हाल ही में जितेंद्र प्रसाद ने भी पार्टी छोड़ी है, तो क्या आपको लगता है कि इस टाइम पर कुछ जरूरी एक्शन लेने की जरूरत है हाईकमान की तरफ से, जो कि नहीं लिए जा रहे हैं, डीले किया जा रहा है उसमें? नहीं नहीं, सचिन पायलट जी कांग्रेस के एक अहम सदस्य हैं, कांग्रेस परिवार के, और सचिन पायलट जी को राजस्थान की जनता बहुत प्यार करती है। सचिन पायलट कांग्रेस के स्तंभ भी हैं, और मुझे लगता है कि सचिन पायलट जी का कोई भी वक्तव्य, एक भी वक्तव्य कांग्रेस के खिलाफ या किसी नेतृत्व के खिलाफ आज तक उन्होंने कभी नहीं दिया है, ना ही उनके समर्थकों ने दिया। मेरा आखिरी सवाल होगा, पायलट जी के जो विजिट पे क्या वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी जी से मिलेंगे? देखिए, ये फैसला तो राहुल जी, प्रियंका जी को और सचिन पायलट जी को करना है। मैं सचिन पायलट जी से मिलने जो आया हूँ, ना तो कांग्रेस हाईकमान ने मुझे भेजा है, मेरा उनका एक बहुत ही निकट का संबंध है, कोविड के बाद में उनकी सेहत की जानकारी लेने में आया था और तमाम राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा हुई। आखिरी सवाल, ये राम मंदिर को लेकर जो मामला चल रहा है सर, लैंड परचेज का, उसमें कई एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं सर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट का गठन हुआ था भारत सरकार के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री जी को ये जवाब देना चाहिए कि उनके द्वारा गठित ट्रस्ट में जो घोटाले हो रहे हैं, ये एक बहुत गंभीर विषय है, ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। राम मंदिर न्यास को प्रॉपर्टी डीलिंग का अड्डा नहीं।